हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा ढोक प्यार और बहुत सारा आभार। आज मैं आई हूँ लैंडोर और यहाँ हो रही है बारिश। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देहरादून में बहुत गर्मी हो रही थी और यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, एक नंबर। और यहाँ हो रही है बारिश। नीचे देहरादून में हो रहा था इतना धूप और यहाँ हो रही है बारिश। बारिश और हम लोग आ गए अंदर। चार पाँच दुकान के अंदर दुबक से जो बीजी मिल जाए कॉफ़ी और बन मौसम भगवान की कृपा रही हो जाएगा। थोड़ी देर की बारिश बारिश भी हो जाएगी लेकिन फिर हम लोग बाहर जाएंगे। आ जाओ, मैं तो कह रही हूँ बारिश पड़ रही है, तब तक आ जाओ घर से निकल के। यहाँ तक आ जाओ, वही बारिश पड़ रही है। बारिश के बाद मौसम खुलेगा। भीड़ देखो आप, हमारी कॉफी जो है वो आ गई है, देख सकते हो आप कितनी टेस्टी सी कॉफी लग रही है। एक बूमरैंग। क्योंकि इसने हम बैग के मारे कॉफी पी रहे थे, ये कॉफी उठा के बाहर लेके आ गए थे मुझे ब्लॉग शूट करना। अब ये कॉफी में पानी मिल रहा है इससे 2 मिनट सब देखा गया था सिर्फ की आँख से ना। ये देखो बुलबुले बन रहे मेरी कॉफी में। ये देख बुलबुले बन रहे मेरी कॉफी तेरे कारण। तो गाइस इसको ना कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आजा पेड़ के नीचे, आजा। गाइज आप लोगों के लिए मैं कितना सुनती हूँ, ये पागल हो रहे थे। कितना सुनती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए मैं बाहर आई और इस लड़की ने मुझसे वहाँ आराम से इतना अच्छा वहाँ बैठ के हम कॉफ़ी पी रहे। कॉफ़ी 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, हम बाहर आ जाते। इसने बोला मुझे डिस्पोजल में डाल के मुझे बाहर जाओ। सो बारिश रुक गई है और हमने ली है कॉफ़ी एंड बन मस्का खा लिया है और अभी हम लोग आ रहे हैं वापस से उसी रास्ते पर जिस रास्ते से हम वापस गए थे। पीछे गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो अभी तो चलो रास्ता कहाँ पे। ये देखो आप, कितना ठंडा हो रहा है और यहाँ पर बारिश पड़ने के कारण और भी ज़्यादा ठंडा हो गया भाई। लोगों की तो जैकेट्स निकल गई और ये देखो मेरे साथ क्या पहन के आ रखी है। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? इसको लग रही है ठंड। ठंड तो लग रही है, खड़े हो रहे हैं ना रास्ते में जो बोल रही थी। ठंड लग रही है यार। मैं वाइट तो पहन के नहीं आई ना बारिश में, अभी देखना पूरा काला हो गया। ये देखो भाई मैं ये पहन के आई हूँ फुल और इसको देखो इसको ठंड लग रही है। बट तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ तुम करोगे मुझे गरम। गरम किया नहीं अभी गरम तुझे मैंने? कॉफी नहीं पिलाई तेरे को गरम? हाँ तूने तो मेरी कॉफी में भी पानी डलवा दिया, तूने बहुत गरम कॉफी पिलाई। अपने आप तो इसने आधा कप कॉफी पी ली थी तब बोली बाहर चलते हैं। मैं तो ठंडी कॉफी पीती हूँ, मेरी कॉफी में इसने पानी डलवा के बुलबुले। तेरी सेल्फ स्टिक किस दिन काम आएगी? अभी यहाँ लगाऊंगी ना आगे जो वो अलग। मर जाएगी। ये लैंडोर से व्यू है गाइस और लैंडोर में ना बहुत ही सुंदर ये देखो है और यहाँ पे बहुत चिड़ियाएं भी रहती हैं। इवन रस्किन बॉन्ड यहीं रहते हैं। 4 दुकान में वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी
पैनकेक्स, वेफल विद आइसक्रीम मिल जाएगा। इवन लैंडोर बेक हाउस का भी बहुत यूनिक एंड ऑथेंटिक है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही एज सच है कि ओल्ड ट्रेडिशनल वेज यूज हो रहे हैं कुकिंग के। वहाँ पे जो ओवन है वो भी पुराने ज़माने का है, और यहाँ के टेम्परेचर के अनुसार वो बिल्कुल परफेक्ट बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। थोड़ा ओवर प्राइज्ड है अब, क्योंकि एक ही है तो इसलिए है। वो सिस्टर बाजार में है, वहाँ तक भी हम वॉक करके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है लैंडोर में तो, अगर मौसम अच्छा हो, बल्कि यहाँ तो हमेशा ही मौसम अच्छा होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें बहुत सुंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। बारिश भी रुक चुकी है और हम लैंडोर में घूम रहे हैं, और यहाँ बहुत ही ऑसम मौसम हो रखा है, देख सकते हैं। मैं आपको पूरा 360 व्यू दे सकती हूँ यहाँ पे। इतना सुंदर यहाँ पे ब्रिक वॉल है जिसमें काई है बिल्कुल नेचुरल, और यहाँ पे ये पीछे का व्यू भी इतना सुंदर हो गया फॉगी सा बारिश के कारण, और धूप भी खिली खिली लग रही है, और देहरादून में इतनी गर्मी हो रही थी और यहाँ इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पे बहुत यूनिक बर्ड्स की साउंड भी हमें सुनाई देती है। अभी तो बारिश के कारण छुप चुकी हैं चिड़ियाएँ, वरना बहुत ही यूनिक साउंड यहाँ पर आती है। ये है यहाँ से व्यू, अभी देखो हल्की हल्की जी सूर्य देवता जी निकल गए हैं हल्के हल्के। अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अभी चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बड़ा ठंडा तो हो रहा है। ये देखो ये लड़की आ रही है अपना ब्लॉग शूट करते हुए, मस्त हो रहा है भाई। आज तो आ गया है मज़ा, फुल मज़ा आ गया है आज। मतलब हमारा जो दिन है वो बन गया है, मतलब ऐसी जगह पर रास्ते में तो ट्रैफिक मिला, लेकिन यहाँ आके बारिश भी मिली, बारिश के साथ साथ धूप भी मिली, धूप के साथ साथ अच्छी कॉफ़ी भी मिली, अच्छी कॉफ़ी भी मिली, और मस्का भी मिला, उसके साथ साथ वाइब भी मिली, वो तो मिली है। हम लैंडोर आए हैं और यहाँ मेरी ड्रीम कार जिम्नी भी मुझे मिली। सो यू कैन गिफ्ट मी दैट, यस यू कैन डू दैट। तुम्हें मिलेगा गिफ्ट वो भी है। शकल देखी तूने अपनी? साली वीडियो बना, क्या कह रही तू? क्यों भाई, आ जल्दी। इसकी ना ये वाली फेवरेट गाड़ी है, मुझे रास्ते में भी बोल रही थी कि ये मेरी फेवरेट है, और इसको पीछे भी चाहिए। अब फाइनली इसको खड़ी भी दिख गई है यहाँ पर गाड़ी, पार्क हुई हुई, तो अभी अब मुझे बोल रही तो अभी तुम लगोगी ना, आओ लगाओ फोटो। ये बहुत बदतमीज़ हो चुकी है, इसको थोड़ी तमीज सिखा लो गाइस। ये बोल रही कि तू लगेगी, मतलब ऐसा तो लड़के भी नहीं करते हैं जितने ये बदतमीज़। क्या बोल, क्या लगेगी तेरे को, चांटा लगेगा, चल आई फोटो की तरह यहाँ पे खड़ी हो, फोन मार। इसकी ड्रीम कार और इसको इसमें फोटो यही करना तुम है, लोगों की गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती हो अपना बना के, खुद खरीदो। तुम दे दो ना पैसे, नहीं इसने पहले मुझे बोला करेंगे, तुम बोले मेरी भी फोटो खींच। भाई गाइस मैंने इससे बोला, ये मुझे बोल रही है गाड़ी खड़ी हुई मिल रही है, मेरी फोटो खींच दियो, तो मैंने बोला यही करना बस तुम, फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला मेरी भी खींच दियो, इनमें कोई कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? तुम फिर मुझे कुछ नहीं बोल सकती ना, जब तुमने सेम चीज करनी है तो। लाल टिब्बा पहुंच चुके हैं, और ये है आकांक्षा घोड़ा, ये व्यू, और ये है अदिति, अदिति ये देखो शक्ल सेम मिल रही है, शक्ल सेम मिल रही है, देखो गाइस इसकी और इसकी शक्ल तेरा। शुरुआत किसने करी भाई, किसने करी? वो वाले को बना, एक और अदिति मिल गई यहाँ पे, एक और अदिति। अदिति क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, खाने को नहीं मिला, क्या हुआ? ये है लाल टिब्बा का बाइनाकुलर कैफ़े, यहाँ से बाइनाकुलर से बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। आज तो नहीं दिखेगा क्योंकि आज बारिश हुई है तो बादल लगे होंगे, वरना यहाँ से चारों धाम दिख जाते हैं, और यहाँ का ऑसम व्यू। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करा देते हैं, गेम होते हैं बलून वाले, और यहाँ पे सेवॉय है,
गेम कर रहे हो क्या अंकल आप? हाँ क्या होता है इसका? रिंग्स फेंकनी पड़ती है? कितने का है ये? 150 का, 50 राउंड्स। 150 का है, 50 राउंड्स। अच्छा 15, ओके। खेलेगी? हाँ यहाँ से ही है। नहीं भाई। क्यों? खेल लेना दीदी। अकाउंट कितना फोन चाहिए? इतना पानी पापी। अदिति के पास ही आ रहा है भाई ये तो। अदिति अदिति रिश्तेदार तो नहीं है ये? कैमरामैन लेके आई हूं मैं। अदिति तो रिश्तेदार इसको जितनी गालियां दो तब भी मेरी भी साथ आने का एक फायदा मुझे ये मिल जाता है, मेरे कहीं भी किसी के भी साथ प्लान्स हो मैं कैंसिल कर देती हूं। कैंसिल मुझे एक साथ लड़के गालियां देंगे उनको भी अपू बना के मेरे से नाचे। गाइस लड़कों को बोलेगी मेरे कजन आ गए और मेरे से घूमने आ गए, उनको बोलेगी धनवंटरी में बहुत भीड़ है नहीं जाना और मेरे से लड़ और आ जाएगी। हाँ तो ये रीज़न बताती हूँ मैं इसका। गाइस बुरा मत मानना आप लोग, देखो सभी लड़के लोग बुरा मत मानना, इसका रीज़न है यार मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। सेल्फिश इसलिए हूँ है ना क्योंकि मुझे। और गाइस मैं ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं मैंने इसको बोला मैं लंडन लाऊंगी, मैंने बोला चल लेंगे कहीं, इसने बोला ठीक है। और पहले तो बोल रही थी संडे, मैंने सैटरडे बोला आ गई और पता नहीं किसके संग प्लान था कैंसिल, डोनाल्टी का प्लान कैंसिल कर दिया और जो मेरा लंडन का मूड बन गया तब मैं आई। तो ये ना मुझे कंटेंट देती रहती है ना। अभी अभी देखो इसने मुझे एक और कंटेंट दे दिया, अभी इसने मुझे बोला पीछे थे हम लोग, बोलती आगे 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 एक बहुत प्यारा सा घर है, मैं सेल्फी स्टिक ला रखी हूँ, ये ला रखी हूँ, वो ला रखी हूँ। तो भाई इसने क्या किया, वहाँ से मुझे पैदल चला चला के यहाँ ले आई, ठीक है। उसके बाद बोलती ये है वो घर, मैंने बोला अच्छा हाँ सुंदर है, देख ये लगा रखा है उन्होंने, मैंने बोला हाँ, मैंने कहा चल फिर, अरे अंदर थोड़ी जाना है, मैंने बोला क्यों अंदर थोड़ी जाने देते हैं वो, मैंने तुम सेल्फी स्टिक लाई हो, तुम इतनी दूर पैदल चला के लाई हो, ठीक है फोटोज वहाँ नहीं क्लिक करवाने दी, वहाँ करवाएंगे क्यों भाई, मतलब ये तुम्हें तुम्हारी आदत है ये? अबे तो व्यू अच्छा आता है वहाँ पे, वहाँ पे अलग फोटो आएगी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, घर भी एक नंबर है गाइस और नजर बट्टू इतना डेंजर लगा रखा ना कि उनको बुरी नजर ना लगे उनके सुंदर से। अगर अगर इस बार इसने मेरा पोपट किया इसको यहाँ से धक्का देगा, पोपट जो पहले से ही पोपट है उसका कौन पोपट करेगा। गाइस अब ये पार्सल जा रही है और ये पार्सल है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गाइस थोड़ा सा और ऊपर पैदल पैदल चल के, बड़ा मजा आ रहा है। आज तो मैं लैंड और बेक हाउस ले जाई ना, लैंड की हम कॉफी पी लें। नहीं भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं अब कॉफी पीने की, हालांकि मैं चॉकलेट कॉफी लवर हूँ। मेरा पैनकेक खाएंगे फिर चार दुकान में, क्या बोलती है? I don't want to eat anything actually. You want to eat a slap? Yes. A punch? Yes. A kick? Yes. In your ass? No. उस पर किसी और का अधिकार है। Oh my god. तुम्हारा नहीं है। Hi Blackie. Hi Kitty. Hello. ये लंडोर का वो फेमस घर आ गया है गाइस, ये कांचा है और ये सुंदर सा घर आ चुका है, ये मेरे सपनों का घर है और मुझे ये घर बहुत पसंद है और इसके में हर चीज़ बहुत यूनिक और बहुत सुंदर है। हम यहाँ पे ज़रूर आके फ़ोटो सेशन करते हैं और यहाँ पे हमेशा ऐसे सूरज निकला होता है, बिल्कुल गोल्डन और ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आती हैं यहाँ। तो अगर आप भी कभी लंडोर आए हैं तो आपको पता होगा, और यहाँ पे बीवेयर एबिट ट्रेसपास भी लिखा है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल है।
भी रखा है भाई घड़ा, आप लोग पानी पी सकते हो। देखो ये इतना सुंदर सा है, ये रे घर वो जिसकी बात ये कर रही थी लड़की। प्राइवेट रेजिडेंस में है, तो कभी भी ये डाली कि ना बीवेयर रैबिट ट्रस्ट पैन, तो ये मतलब ये कुछ फनी है और ये इसी घर का फोटो आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ, और वो जो उनका आंगन है ना वहाँ पे देखिए इतना डरावना उन्होंने वो लगा रखा ना रैबिट का। कहाँ पर है दिख नहीं रहा भाई, इधर से चलते हैं भाई। एक बार तो मुझे यहाँ पे ऊपर जाना है दीदी, जाऊँगी मैं लिख कर ले लो। कहाँ कहाँ दांत वाली दीदी को जॉब मिल गई है। 100 रुपए पर मंथ। अबे जा मेरे पे नौकरी है, तू बेरोजगार है तू। 100 रुपए पर मंथ मिलेंगे, अभी आ सकती है लैंडलॉर कभी भी मुंह उठा के। नौकरी मिल गई इसको, इसको लोगों ने रख लिया फोटो खींचते। मैं तो 100 रुपए नहीं 10,000 रुपए। अपनी मंथली इनकम बता दी ना, ये नहीं बताना होता। मैम एक बार फोटो चेक कर लो, ये बहुत गंदी फोटो खींचती है। चेक कर ली उन्होंने, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। देख ले कितने हैप्पी है, उन्होंने दूसरी फोटो नहीं खिंचवाई तेरे से, इतने हैप्पी है वो, देख रही तू। मतलब बंदा एक दो तो खिंचवाता है, तेरे से सिर्फ एक फोटो, ओनली वन पिक्चर। उड़ा दो इसको, उड़ा दो, उड़ा दो। कर मैं वीडियो ऑन कर रखी है, और मैंने करा था एक बार डांस। यहाँ पे मॉर्चरी भी है, मॉर्चरी नहीं कब्रिस्तान। गाइस हाँ जा रहे हैं ना आगे से, यहाँ पे चर्च भी आएगा अभी, और यहाँ पे अभी इनका कब्रिस्तान भी है। मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग भी बोल रही हूँ भाई। जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी अपने लिए जियो, किसी आदमी के लिए मत जियो। एक आदमी के अराउंड तुम्हारी जिंदगी रिवॉल्व करती है, शर्म करो। यंग इंडिपेंडेंट वुमेन हो, अपने लिए जियो। एक लड़के की स्नैप के पीछे पागल हो रही है भाई, मैं बोला नहीं तो इज्जत उतारो लेकिन लिमिट में उतारो भाई, दोस्ती वोस्त खराब मत कर लेना तुम, ठीक है। सीरियस वे में बोल रही हूँ, मजाक मत लेना। और जो दोस्ती खराब हो जाए वो खराब होने लायक ही थी, जो पक्की दोस्ती होती है ना वो ऐसे फालतू की नौटंकियों से खराब नहीं होती। चलो बस हो गया, वहाँ से तुम इधर निकलो, मैं ठीक है पैदल जा रही हूँ। निकलो निकलो, बाय बाय। सुना दीदी मुझे रास्ता नहीं पता। मसूरी को ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स। यहाँ पे टावर है। ओके जल्दी जड़ जाएंगे सारे। गाइस ये एक बात बोलती है और मुझे ढेर सारा कंटेंट दे देती है। अभी अभी इसने बोला है काली लाइना में ट्राइपॉड, तो ये देखो गाइस ये ला रखी है, ये और इसका ये ला रखी है। माइक भी है ना इसी में, माइक मैंने उसमें डाला है पर्स में। माइक भी है इसके पास, लगाने नहीं दे रही, बोल रही रहने रहने रहने। इसके बस का नहीं है। अबे घर में गेट रेडी विद मी शूट करके आती ना, अगर ट्राइपॉड लगा के माइक लगा के फिर और लेता था तो इसका मुंह ना जितना इतना दिख रहा है इसका दुगना हो जाता इतना बड़ा। तो कहाँ लगाई, लगा क्या, यहाँ लगा ले चर्च में, लगा लगा यहीं लगा चर्च में, चर्च चोट में नहीं होती ये चीजें। बाहर भाई धार्मिक स्थानों पे तुम ये डांस करोगे, बड़ी तुम धार्मिक हो ना, जिस दिन वो भद्राज में तो ये बिना बटन वाला बटन लगा के घूम रही लैंड, क्या हो गया भाई बटन खोल ले।
वो ना मेरे को थोड़ा सा सदमा सा चढ़ गया तब से मेरे सपनों में वही, मेरे को सपने भी उसी चीज का रहे तब से, तो तब से ये बटन वाली चीजें ही पहनने हैं। देखो कपड़े तो मेरे पास ऐसे ही है, ऐसे ही वाले, तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। लगा लेना, कहाँ लगाएगी, लगा मैं भी बनाऊंगा। कंटेंट दे दिया यहाँ पे, ये कर दी यहाँ पर अपनी प्रेप, और इसको कहते हैं BTS। BTS बन रहा है तुम्हारा BTS। देखो गाइस BTS तो आप मेरे चैनल पर देख लो, और जो भी है इसका जो शूट है वो आप इसको इसके चैनल पर देख लेना। ये देखो गिरा मत दियो, यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। देखो गाइस यहाँ गिराने वाली है, दिखेगा भी नहीं यहाँ पे। चुका है हेलो गाइस। तो देखो मैंने अपना ट्राइपॉड यूज किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं माइक में बोल रही हूँ, तो हाउ इज द साउंड टेल मी। आज मैं लैंडोर में अपना ट्राइपॉड माइक सब लेके आई थी सो दैट वी कैन शूट अ नाइस व्लॉग। आकांक्षा कम जॉइन मी, इसका अपना चल रहा है, इसने अपने चैनल यूट्यूब में नाम कर दिया आकांक्षा मन व्लॉग, और आज मैं खोल के देखूंगी उसमें क्या दिख रहा है। कौन सा व्लॉग? आकांक्षा व्लॉग। चुके हैं लैंडोर का बहुत फेमस चर्च है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत चर्च है। इसका फ्रंट व्यू भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और आज मौसम भी इतना क्लाउडी, इतना मस्त हो रहा है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। ये आकांक्षा से हाय, डॉगूज आर देयर सो मेनी क्यूट लिटिल, होल्ड द कैमरा आकांक्षा हंस कैमरा पकड़ो। हाय, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो जिप इट, काट दे, रुक जा। ओह वो ऑन थी, तो ये है लैंडोर का बहुत फेमस चर्च, और यहाँ का पैरानॉर्मल व्यू भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी आती हैं, और लोग भी वेट कर रहे हैं। हम लोग आ गए कहाँ पे, आ गए चर्च, लैंडोर चर्च। अभी मैं बैक से दिखाऊंगी, सो अभी देखो आप गाइस यहाँ का व्यू कैसा है चर्च। आजा उधर से कम। सी गाइस हम आए हैं लैंडोर के बहुत फेमस चर्च में, और मेरे संग है मेरी बेस्टी आकांक्षा, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जितना ऊपर हम जा सकते हैं उतना ऊपर जाएंगे हम। गाइस ताला लगा है, वी कांट गो इनसाइड, सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं
जाऊंगी। पुलिस वाले हैं यहाँ? अच्छा है क्या? हाँ, मैं तो पोज मार क्या? तुझे मैंने बोला जैसे मैं निकलूंगी वैसे तू भी निकल। ओके अब सुन, इधर देख, मैं नीचे जाएंगे। हाँ, ये सारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। मैं निकलूंगी उधर, तू निकलेगी। ओके ठीक है, दिस इज अ ट्यूटोरियल। चल जाऊं? यस गुला गुलाबी साड़ी और नाली लाल लाल। गाइस हम लोग चर्च वर्च सब घूम कर आ गए हैं अभी। वापस चार दुकान, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा नीचे। वैसे वो वाला रास्ता जितनी अच्छा था बेटा, तू जितना भी तो ले गई बच्चू, तो ये वाले से क्यों ले आई? गाड़ियों गाड़ियों वाले से छोटा पड़ता ना, कितना चलोगे? आज तो ट्रैक करने का मूड है मैडम। अच्छा ये तो आ गया तभी तो, ये देखो दूसरा चर्च आ गया, दिखाओ बैक कैमरा। वाओ यार ये तो बहुत सही रास्ता है। ये देखो गाइस ये है दूसरा चर्च, जैसे कि आप देख पा रहे हो। रुको मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। चर्च वो एक आपने देखा था, ये है दूसरा वाला। मस्त लग रहा है, वो ज़्यादा मस्त लग रहा था। वी हैव व्यू गाइस, अभी ये देखो ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक छोड़ो, अच्छी चीज़ें देखो आप ये। वाओ कुछ लोगों का फोटोशूट हो रहा है, कुछ लोग अंदर से आ रहे हैं, और हम तो भाई आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने चर्च में विजिट कर लिया है। अंदर मैं फोन नहीं ले जा सकती तो इसलिए अंदर का मैं आपको दिखा नहीं पाई कि अंदर फोन अलाउड नहीं है। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। सो गाइस इसने अभी ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया? वेजिटेबल एंड लॉट्स ऑफ चीज मैगी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्यों शक्ल देखो क्या यहाँ पे चीज है, और यहाँ पे है गोलगप्पा, और यहाँ पे आइसक्रीम। ठीक है चलो खाने को। गाइस हमारी चीज वाली मैगी जो है वो आ गई है, इसको देखो लड़की को। गाइस वहां से हम लोग निकल रहे हैं, चुप करेगी आदिति बल का बदलाव ले रही है। सो गाइस वहां से हम लोग निकल गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे बहुत ज़्यादा हो रखा है ट्रैफिक, जैसा कि आप देख सकते हो। ट्रैफिक का जो भी क्रेडिट है वो जाता है बड़ी बड़ी लंबी लंबी कार्स को। एक हमारे पीछे से भी आ रही है, अपनी चार चूड़ियाँ लेके आ जाते हैं लोग यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, चाहे चलानी ना आए पहाड़ों में लेके आनी है। अपनी चार चूड़ियाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर बात ऑडी की हो रही है गाइस। ऑडी की तो बात कर दी तुमने, लेकिन मुझे चार चूड़ियाँ दिखने रही। वो दिखने रही ये ओ मेरी चार चूड़ियाँ। ओके वहाँ बंदर के पूरे एंकर हाईवे सुपर हाईवे वाले भी ब्लॉग देख सकते हैं। भूले ना आप देखो, लेकिन गाड़ी चलाना सीख के आओ, वरना टैक्सी ले लेना, यहाँ टैक्सी मिल जाती है। वाह यार व्यू देखो यार, अभी मतलब मज़ा आ गया मुझे तो। और एक नंबर मौसम है, एक नंबर मौसम है। और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, बारिश बारिश भी हल्की हल्की आ गई है, हल्की हल्की सी है, बहुत हल्की हल्की सी है अभी बारिश, हल्की हल्की बारिश आ गई है। और फिर से हमें जो है वो ट्रैफिक मिल गया फिर से।
खाली खाली ये है गाइस मुंबई सॉरी मसूरी का मार्केट, इसको कहते हैं हम मसूरी का शोरा चोरा लंच और बचा। अदिति बिल्कुल सही गाइड कर रही है यहाँ पर। और ये देखो गाइस बहुत ही सुंदर सा कैफे भी है, अमेजिंग कैफे है, और ये व्यू है, ये लोग आ रहे हैं सामने से और ये मैं हूँ और यहाँ पे गाड़ी चल रही है। तूने बेटा कुछ खाया है? मुझे लग रहा तूने उसको मांग लिया, वो पिंक धुआं तूने मांग लिया, वो घुस गया तेरे अंदर। अरे लड़की तो मस्ती है, उसकी याद मत दिला मेरे को, मसूरी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, उतार दो तो वीडियो वाडियो बनवा लेते ना वहीं से मेरे से यार। This trip to Landore was awesome. ये दिन बहुत ही अच्छा था, मौसम भी बिल्कुल हमारे फेवर में था। इसके बाद हमने रायपुर में लेमन टी पी और फिर हम अपने घर चले गए थे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा सो डू लाइक इट। आप मेरे बाकी के व्लॉग्स भी मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ वट एवर आई एम पोस्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। टूडल्स।